हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे क्लास नाइन और सब्जेक्ट क्या होगा मैथमेटिक्स। ठीक है, ये आज का जो वीडियो है वो लेक्चर नंबर 3 है। इसके पिछले में 2 वीडियो डाल चुका हूं, उसमें हम लोग 20 क्वेश्चन कर चुके हैं एमसीक्यू का। ठीक है, मैथ्स का ये जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूं ये आप लोग के लिए जो आने वाला बोर्ड एग्जाम है उसमें बहुत हेल्पफुल होगा, बिकॉज ये जितना भी क्वेश्चन है ये सारा प्रीवियस ईयर का है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर एंड ए कोन हैविंग सेम बेस रेडियस एंड सेम हाइट। अब इसमें बोला है कि अगर मैं रेशियो निकालूं किसका, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और किसका, दैट इज कोन का। ठीक है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ, ये सिलेंडर हो गया और ये क्या हो गया, कोन। ठीक है, तो अगर इन दोनों का रेशियो निकालता हूं तो उनका रेशियो किस फॉर्म में आएगा, ठीक है, ये हम लोग को फाइंड करना है। तो यहां पे 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, तो अगर आपको इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है तो आप लोगों को इसका फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे जो हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम लोग जानते हैं वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब हम लोग जानते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अगर देखो आप लोग न्यूमेरेटर में और जो डिनोमेटर में है कुछ टर्म सिमिलर है, ठीक है, इसको कैंसिल कर देते हैं, तो ये वाला कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या बचा, ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 है और नीचे क्या बचा, 1/3। ठीक है, अब ये क्या होता है, अगर ऊपर एक नंबर हो और नीचे फ्रैक्शन नंबर हो, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, ये नीचे वाला जो होता है नंबर ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 1 × क्या होगा, 3 और नीचे कितना होगा, 1, तो 3×1=3 और नीचे कितना गया, 1। ठीक है, तो यहां पे हम लोग का जो रेशियो आ गया ये हमारा क्या था, रेशियो। ठीक है, तो रेशियो हमारा कितना गया, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज 3 ऊपर है पहले न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर को पहले लिखो इज टू, फिर डिनोमिनेटर 3:1। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, इसमें बोला है कि द इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस इज, अब यहां पे आप लोग ध्यान देना, यहां पे 2 क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। एक तो पहला, अगर जब भी आपको वाई एक्सिस का पूछे इक्वेशन, ठीक है, तो आप लोग क्या करना, इसका उल्टा करना है, दैट इज अगर वाई एक्सिस का इक्वेशन पूछे तो आपको लिखना है दैट इज एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर वाई एक्सिस का पूछे तो हमारा आंसर क्या होगा, इक्वेशन क्या होगा, एक्स इक्वल टू जीरो। लेकिन अगर यहां पे आपको पूछे कि एक्स एक्सिस क्या होगा इसका, तो अगर एक्स एक्सिस पूछे तो इसका उल्टा, दैट इज वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहां पे हम लोग को वाई एक्सिस पूछा था तो इसीलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, दैट इज एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसके बाद आगे यहां पे दिया है द डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल 5t − √7 इज, अब यहां पे ये जो टर्म दिया है ये 5t − √7 इसका मुझे डिग्री फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो डिग्री हम लोग उसका देखते हैं जिसमें वेरिएबल हो, वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिग्री। ठीक है, तो यहां पे जो वेरिएबल यूज है, ठीक है, वो कौन सा है, टी है, टी, टी क्या है हमारा, वेरिएबल, और इसमें तो वेरिएबल है नहीं। ठीक है, तो यहां पे वेरिएबल है, इसका हाईएस्ट पावर कितना है, कुछ नहीं मतलब आप लोग सपोज करना इसका पावर कितना है, 1 है। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें से कौन सा होगा, दैट इज ई। ठीक है, अब नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ 32 2 पावर 2/5, इसका मुझे वैल्यू निकालना है। ये जो क्वेश्चन है मैंने प्रीवियस वीडियो में भी करा रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा आता है और मोस्ट रिपीटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, इसका ट्रिक है कि जो भी नंबर बेस में होगा नीचे में, ठीक है, इसका पहले एलसीएम लेते हैं, दैट इज 32 का आप लोगों को पहले एलसीएम लेना है, तो ये कितना होगा, 2 × 1 = 2 2 16 = 32, दैट इज 2 × 2 = 2 एंड 2 × 16 एंड 2 × 4 = 8 एंड 2 × 2 = 4 एंड 2 × 1 = 2। तो अगर देखो, अगर मैं 32 को ब्रेक किया तो कितना 2 हुआ है, 5 2। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या लूंगा, 2 कितना बार आया मेरा,
फाइव टाइम्स आया, ठीक है, होल टू दी पावर ऊपर कितना है टू बाई फाइव, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग टू बाई फाइव, ठीक है। अब ये फाइव कैंसिल, तो क्या बचा दैट इज टू और ये स्क्वायर का स्क्वायर, तो अगर मैं टू का स्क्वायर करता हूं तो कितना हो जाएगा फोर, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें से कौन सा होगा ये नंबर, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फाइव करते हैं, इसमें क्या दिया आप लोग देखो, यहाँ पे दिया है द एरिया ऑफ एन आइसोसेलस ट्रेंगल, ठीक है, जो आइसोसेलस ट्रेंगल है उसका जो एरिया है, ठीक है, हैविंग ए बेस टू सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन को समझने के लिए मैं सबसे पहले एक ट्रेंगल बना देता हूं, ठीक है। अब ये मेरा ट्रेंगल हो गया, अब इसमें बोला कि इसका जो बेस है, ये ट्रेंगल का बेस वो कितना दिया है टू सेंटीमीटर, तो ये मेरा नीचे वाला बेस टू सेंटीमीटर, एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द इक्वल साइड इज फोर सेंटीमीटर। अब हम लोग जानते हैं कि जो आइसोसेलस ट्रेंगल होता है इसका दो साइड इक्वल होता है, ठीक है, तो इसमें दिया गया है कि जो इसका बेस है टू सेंटीमीटर है और जो उसका इक्वल साइड जो है वो कितना है फोर सेंटीमीटर का है, तो ये कितना होगा फोर सेंटीमीटर और ये भी कितना फोर सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, इसमें एरिया फाइंड करना है, इसका क्या फाइंड करना है एरिया, तो एरिया हम लोग जानते हैं, एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग को पहले एस फाइंड करना होता है, दैट इज सेमी पेरीमीटर, ठीक है। तो सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, ठीक है, तो s इक्वल टू आ जाएगा, a का वैल्यू कितना है यहाँ पे, a का वैल्यू 4 प्लस सेकेंड साइड कौन सा है 4 प्लस थर्ड साइड यदि c कौन सा है 2 है, तो 2 डिवाइड बाय नीचे कितना 2, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 2 10, तो 10 बाई 2, तो इसको डिवाइड करके कितना आ गया मेरे पास 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मेरे पास जो s आ गया वो कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं इसका एरिया, तो एरिया अगर इसका फाइंड करना है तो हम लोग को हीरोन्स फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। तो हीरोन्स फॉर्मूला का अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं दैट इज अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये होता है हमारा हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। अब यहां पे एस का वैल्यू कितना दे, एस का वैल्यू हम लोग दैट इज सेमी पेरीमीटर होता है एस का मतलब, तो s यहाँ पे कितना दिया 5, तो हम लोग पुट करेंगे 5, फिर यहाँ पे 5 माइनस a का वैल्यू कितना, a का वैल्यू मतलब पहला साइड दैट इज 4, फिर s का वैल्यू कितना 5, 5 माइनस b का वैल्यू कितना है 4, अब फिर s का वैल्यू कितना, s का वैल्यू 5 और c का वैल्यू कितना हो गया मेरे पास 2 है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5 का 5, 5 में से 4 गया तो 1 हो जाएगा, तो कुछ नहीं मतलब ये ब्रैकेट का मतलब होता है इनटू साइन, तो 5 में से 4 गया तो 1, फिर कुछ नहीं मतलब इंटू साइन 5 में से 4 1, कुछ नहीं मतलब इंटू साइन 5 माइनस 2 करने से आ जाएगा ये 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा दैट इज 5 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 3 दैट इज रूट ओवर 15, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा दैट इज 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इसमें जो 15 दैट इज ए ऑप्शन, ठीक है, रूट ओवर 15 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है। तो आप हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना, एंड द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये जो है ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये कौन सा यहां पे ए बी सी डी में से ऑप्शन करेक्ट होगा इसे पूछा है, एक इसका फॉर्मूला है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ये हम लोग जूनियर क्लास में भी सीख चुके हैं, ठीक है, कि ये जो है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला मीन का होता है, ठीक है। अगर आपको मीन फाइंड करना है तो हम लोग इसी का हेल्प लेते हैं, दैट इज सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो हमारा मेरा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा ए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बोला है कि व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ द क्लास इंटरवल 80 to 100। अब हमें इसने पूछा है क्लास मार्क क्या होगा, किसका, 80 और 100 का। तो अगर आपको क्लास मार्क फाइंड करना है तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, दैट इज क्लास मार्क को हम लोग एक्स आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय नीचे 2। अगर आपको क्लास मार्क फाइंड करना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास मार्क,
तो क्लासमार्क का जो फॉर्मूला होता है दैट इज अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई टू। तो यहाँ पे अपर लिमिट कौन सा है, इसको हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट, ये हो गया 100 प्लस। लोअर लिमिट कौन सा है, इसको हम लोग लोअर लिमिट बोलते हैं, ये कितना है 80, नीचे कितना 2। तो 100 प्लस 80 हो जाएगा 180 बाई 2। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं, इसको अगर मैं डिवाइड करता हूं तो ये कितना आ जाएगा, इसका आधा करने से, इसका आधा करने से कितना आएगा 90। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, डी। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, द मीन ऑफ द x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4 एंड x माइनस 2। अब यहाँ पे ये सारा आप लोग को ऑब्जर्वेशन दिया है, इसका हम लोग को मीन निकालना है। तो जैसे कि मैंने आप लोग को यहाँ पे दिखा दिया कि जो मीन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब जितना भी ऑब्जर्वेशन है इनका प्लस करना होता है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले क्या कर लेते हैं हम लोग, प्लस कर लेते हैं। तो x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 प्लस x प्लस 4 प्लस फिर x माइनस 2, हमें क्या फाइंड करना है, मीन। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को ऑब्जर्वेशन जो भी दिया होगा उसको पहले प्लस में लिखना है। ठीक है, प्लस करना है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखिए टोटल, अब फॉर्मूला क्या बोलता है कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा नीचे होगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, 1 2 3 4, हमारा 4 टोटल ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे अगर ध्यान दो आप, तो x 1 2, ये 2 2, ये 3 2 और ये 4 2, तो हमारे पास x कितना 2 हो गया, 4x। ठीक है, और हमारे पास अगर नंबर आप लोग ध्यान दो, तो यहाँ पे ये जो प्लस 2 है और ये जो माइनस 2 है, ये दोनों सेम है, तो प्लस 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, तो क्या बचा, 3 बचा और 4 बचा, तो 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा, ये प्लस 7, और नीचे कितना बचा, 4। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज 4x प्लस 7 डिवाइड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, यहाँ पे क्या बोला था, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। आप लोग को यहाँ पे पेरीमीटर दिया है, किसका पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर इक्वल टू कितना दिया है यहाँ पे, 60। ठीक है, तो यहाँ पे 60 मीटर दिया है पेरीमीटर। ठीक है, तो यहाँ का अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर पेरीमीटर 60 दिया है तो यहाँ पे मुझे एरिया पूछना है। ठीक है, एरिया, तो हम लोग जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसका सारा साइड जो होता है वो क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। ठीक है, तो ये साइड, ये साइड, ये साइड, तीनों साइड क्या होगा, आपस में इक्वल। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग पेरीमीटर का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, पेरीमीटर इक्वल टू होता है दैट इज 3 × साइड। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या निकाल देंगे, साइड, तो यहाँ पे पेरीमीटर का वैल्यू कितना दिया, 60, तो यहाँ पे 60 हो जाएगा इक्वल टू 3 × साइड का साइड। ठीक है, अब साइड को मैं सिंगल छोड़ूंगा, तो यहाँ पे 3 जो है मल्टीप्लाई में इस तरह से क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 60/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये साइड। ठीक है, तो यहां से अगर कैंसिल करें तो कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 0, 320 से कितना, 60, तो हमारा जो साइड कितना आ गया, 20। ठीक है, 20 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या पूछा था, एरिया, तो यहाँ पे जो एरिया आ जाएगा, एरिया इक्वल टू होता है √3/4 × साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग फाइंड करें इसका, तो ये हो जाएगा √3/4 × साइड का वैल्यू कितना दिया हमारा, 20, तो इन प्लेस ऑफ साइड का स्क्वायर हम लोग क्या लिखेंगे, 20 × 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4, 5 का कितना होता है, 20, तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना बचा, 5 × 10, तो हो जाएगा 100√3 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या होगा, 100√3 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे डी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि हीरोन्स फॉर्मूला इसमें से कौन सा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है, ABCD, तो यहाँ पे मुझे हीरोन्स फॉर्मूला यूज करना है। तो हम लोग इसको पहले भी यूज कर चुके हैं, तो जो हमारा हीरोन्स फॉर्मूला होगा इनमें से बी होगा। ठीक है, क्योंकि हीरोन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या था, s√s(a)(b)(c), तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, बी। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है 10 क्वेश्चन MCQ का, मैथ्स का, क्लास 9 का। तो इसके अगले वीडियो में मैं और ट्राई करूंगा MCQ क्वेश्चन आप लोग को कराऊं,
जिससे आप लोग को बोर्ड एग्जाम में हेल्पफुल हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।